प्यारे बच्चों, सर्दियों का मौसम और रात का वक्त था। ठंडी हवा के झक्कर चल रहे थे। सड़कें दूर दूर तक सुनसान थी। लोग अपने अपने घरों में गर्म गर्म बिस्तरों के अंदर दुबके हुए थे। मगर एक मासूम सा बच्चा फटे पुराने कपड़े पहने सर्दी से बेहाल एक दीवार के सहारे बैठा हुआ रो रहा था। उस बच्चे का नाम जावेद था। जावेद के माँ बाप अरसा हुआ मर चुके थे। वो अपने चचा के साथ रहता था। जावेद की चची तोबा तोबा बड़ी जालिम औरत थी। बच्चों को सुबह से शाम तक जावेद से घर की सफाई कराती, बर्तन मंजवाती, कपड़े धुलवाती, जरा सी गलती पर उसे बुरी तरह मारती। और एक शाम जावेद के हाथ से गिरकर चीनी की दो प्लेटें टूट गई तो चची ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा और फिर घर से भी निकाल दिया। अब वो दीवार के सहारे बैठा रो रहा था। भूख और सर्दी से उसका बहुत बुरा हाल था। उसका पूरा जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। बच्चों, ऐसे में उसने एक आवाज सुनी। अजीब सी आवाज, जैसे बहुत सी चांदी की नन्नी मुन्नी घंटियां बज रही। जावेद ने इधर उधर देखा। जरा फासले पर खूबसूरत सफेद परों के साथ उड़ती हुई एक परी उसकी तरफ आ रही थी। परी इतनी खूबसूरत थी कि जावेद ने उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। वो अपनी भूख, प्यास, सर्दी सब कुछ भूल गया। बच्चों, परी उसके करीब आके रुक गई। जावेद ने परी के चेहरे की तरफ देखा। उसके लबों पर बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट खेल रही थी। और फिर वो नरम से लहजे में बोली, क्या बात है प्यारे बच्चे, तुम इतनी रात गए अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे मेरी चची ने घर से निकाल दिया है। क्यों प्यारे बच्चे? दो प्लेटें मेरे हाथ से गिर के टूट गई तो उसने मुझे मारा भी और घर से भी निकाल दिया। वो बहुत जालिम औरत है। वो क्या, उसका अपना कोई बच्चा नहीं है? अपने बेटे से तो वो बहुत प्यार करती है। अच्छा, ताजुब है, माँ बनने के बाद भी उसके दिल में दूसरे बच्चों के लिए रहम नहीं है। हाँ परी, इसने कभी मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। अब भूख और प्यास से मेरी जान निकल रही है। तुम मेरे साथ आओ। तो फिर नन्ही दोस्तों, परी ने जावेद का हाथ थामा तो उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो तेजी के साथ जमीन से ऊपर उठ रहा है। अब उसे बिल्कुल सर्दी नहीं लग रही थी। परी हल्के हल्के सुरों में और मीठी आवाज में गा रही थी। प्यारे बच्चों, परी के मुंह से ये अल्फाज सुनकर जावेद अपने सारे दुख भूल गया। फिर जावेद ने महसूस किया जैसे वो जमीन की तरफ उतर रहा है। फिर उसके कदम जमीन पर लग गए। जावेद ने आंखें खोली तो वो हैरान रह गया। हर तरफ तेज मगर ठंडी ठंडी रोशनी फैली हुई थी। काले और सफेद पत्थरों से बनी हुई खूबसूरत इमारतें दूर दूर तक नजर आ रही थी। फूलों और फलों के बेशुमार दरख्त हल्की हल्की हवा में झूम रहे थे। जावेद ने परी से पूछा, अच्छी परी, ये कौन सी जगह है? ये परिस्तान है प्यारे बच्चे, और आज की रात तुम मेरे मेहमान हो, और वो सामने मेरा घर है। घर? वो तो महल है। आओ अंदर चले। और बच्चों, परी जावेद को लेकर अपने खूबसूरत महल में दाखिल हुई तो जावेद की आंखें हैरत और ताज्जुब से खुली की खुली रह गई। महल में हर तरफ नरम नरम कालीन बिछे हुए थे। दरवाजों और खिड़कियों में रेशमी और मखमल के पर्दे लटके हुए थे और बड़ी बड़ी मेजों पर ताजा ताजा फल, अच्छे अच्छे खाने सजे हुए थे। जावेद की भूख एक बार फिर जाग उठी थी और परी ने उस बात को महसूस कर लिया। वो जावेद से बोली, प्यारे बच्चे, मैं चाहती हूँ पहले तुम गुस्ल करो, फिर कपड़े बदलो, फिर खाना खाओ। ठीक है अच्छी परी, ठीक है। परी ने ताली बजाई, एक खादिमा अंदर दाखिल हुई। परी के इशारे पर खादिमा ने जावेद को गुस्ल खाने में पहुंचा दिया। जावेद ने खुशबूदार गर्म पानी से गुस्ल किया, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, परी के साथ बैठकर खाना खाया।
फिर परी जावेद को साथ लेकर सोने के कमरे में दाखिल हुई और बोली, प्यारे बच्चे तुम आराम से यहाँ नीचे नींद सो जाओ, मैं सुबह तुमसे बात करूंगी। शुक्रिया अच्छी परी, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ऐसी कोई बात नहीं प्यारे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा नसीब भी बहुत अच्छा है। शब बखैर। प्यारे बच्चों, ये कहकर परी तो वापस लौट गई और जावेद नरम और गर्म बिस्तर पर आराम से मीठी नींद सो गया और परी दूसरे कमरे में बैठकर अपने भाई नीले देव का इंतजार करने लगी। आधी रात के करीब नीले देव का तख्त सहन में उतरा। परी उसे देखते ही सहन में आ गई। नीला देव बोला, तुम अभी तक जाग रही हो? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैं क्या करूँ मेरा इंतजार? तुम्हें पता है मुझे आधी रात तक बादशाह के दरबार में बैठना पड़ता है। जाओ अब सो जाओ। हाँ मगर ठहरो, आज हमारे घर में आदम भूखी फैली हुई है। नहीं भाई नहीं, यहाँ भला आदम का कहाँ आ सकता है? तुम्हारे चेहरे की परेशानी साफ कह रही है कि तुम झूठ बोल रही हो। सच सच बताओ, कौन आया है यहाँ? यह मुसीबत तुम्हारा बच्चा है। कहाँ है वो, उसे मेरे सामने लाओ। नहीं नहीं, तुम दिखा जाओगे। इंसान तो हम दिलजादों की बेहतरीन गजा है परी बहन। मगर मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तुम मुझे नहीं रोक सकती। हाँ मैं तुम्हें रोक सकती हूँ, इसलिए कि मैंने उसे पनाह दी है। उसने जिंदगी में कोई खुशी नहीं देखी, वो बेसहारा ही यतीम है। अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। ये सब कहने की बातें हैं, मैं उसे खाने जा रहा हूँ। रुक जाओ भैया रुक जाओ, तुम्हें हजरत सुलेमान के पसंद, रुक जाओ। बेवकूफ परी, तुमने मेरे पैरों में इतनी भारी जंजीर डाल दी है कि नहीं भी नहीं सकता। मैं इस वक्त महसूस भी जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, देवन दहाई गुस्से में पैर पटकता वापस लौट गया और परी जावेद के बारे में सोचने लगी, जो दुनिया से बेखबर आराम की नींद सो रहा था। परी ने सोचा, ये मासूम बच्चा यहाँ रहा तो जरूर किसी न किसी देव का लुकमा बन जाएगा। बेहतर यही है कि उसे वापस जमीन पर पहुंचा दिया जाए। परी ने वक्त जाया किए बगैर सोते हुए जावेद को अपनी बाजू में उठाया और परी स्थान से जमीन की तरफ रवाना हो गई। सुबह सूरज निकलने से पहले जावेद की आंख खुल गई तो वह पत्थर की बेंच पर था। उसने इंतहाई हैरत से चारों तरफ देखा। जरा फासले पर एक बूढ़ी औरत दरख्त का सहारा लिए बैठी थी और मुसलसल उसी की तरफ देख रही थी। जावेद बेंच से उठा तो बुढ़िया उसके करीब आ गई और बोली, सुबह बखैर अच्छे बच्चे। तुम कौन हो? मैं वही परी हूँ जिसने तुम्हें रात परिस्तान की सैर कराई थी मेरे बच्चे। मगर तुम्हारी आवाज, तुम्हारा चेहरा? मैंने अपना रूप अपनी आवाज बदल ली है अच्छे बच्चे। मगर क्यों? अगर मैं परी बनकर तुम्हारे साथ साथ रहती तो ये बात मेरे लिए भी मुश्किल थी और तुम्हारे लिए भी। क्या मेरे नसीब में एक ही दिन का आराम था अच्छी परी? नहीं प्यारे बच्चे नहीं, मैंने कल भी कहा था तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है। आओ यहाँ से चले, आज के बाद तुम्हारे करीब कभी दुख नहीं आएंगे। तो बच्चों, फिर बूढ़ी औरत के रूप में परी जावेद को साथ लेकर एक जौहरी की दुकान में गई। उसने अपनी उंगली से अंगूठी उतार कर जौहरी को देते हुए कहा, जौहरी बेटे मैं ये अंगूठी बेचना चाहती हूँ। जौहरी ने अंगूठी को गौर से देखा, फिर बुढ़िया और जावेद पर नजर डाली और बोला, अंगूठी में जड़ा हुआ ये हीरा तो लाजवाबी बड़ी थी, कहाँ से खरीदा था? मैं इसे बेचना चाहती हूँ जौहरी बेटे। खरीदना चाहते हो तो कीमत बता दो वरना अंगूठी वापस कर दो। मैं तुम्हें इस अंगूठी के 20,000 दे सकता। ठीक है रकम मुझे दे दो। और बच्चों, परी ने अंगूठी देकर जौहरी से 20,000 रुपए लिए और रकम को बड़े रुमाल में बांधकर दुकान से बाहर आ गई। जावेद जो अभी तक हैरान नजरों से परी को देख रहा था बोला, अच्छी परी इतना बहुत सा रुपया? मेरा नहीं है, तुम्हारे लिए है अच्छे बच्चे। मेरे लिए? देखो अच्छे बच्चे, आज की दुनिया में इंसान की नहीं रुपए की इज्जत है मेरे बच्चे, इसलिए कि रुपए से इंसान की बेशुमार जरूरतें पूरी होती हैं। ठीक कहती हो अच्छी परी, रुपए के बिना कुछ नहीं मिलता। अच्छा
अच्छा अब तुम मुझे अपने चाचा के घर ले चलो। नहीं नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगा, चाची मुझे फिर घर से निकाल देंगी। चलो तो सही, अच्छे बच्चे, चलो शाबाश। चलो बच्चों, जावेद परी की बात टाल भी नहीं सकता था। वो मजबूरन डरा सहमा परी के साथ अपने चाचा के घर में दाखिल हुआ तो उसकी चची पलंग पर बैठी एक पुराने कपड़े की मरम्मत कर रही थी। जावेद को अंदर आते देखकर बोली, आए तुझे आए घाई घड़ी की माँ, कब फिर वापस आ गया और ये साथ अपनी कौन सी रिश्तेदार ने ले आया है? गुस्सा न कीजिए बहन, जरा मेरे बात सुन लीजिए। आए कहो, तुम क्या कहना चाहती हो? आपने इस मासूम बच्चे को इतनी सर्दरात में घर से क्यों निकाल दिया था? अच्छा तो तुम इसकी हिमायती बनकर आई हो, ठीक है फिर सुन लो इसकी कसूस। ये बारिश भर का छोकरा बदतमीज है ना, कम मानना चाह रहा है। इसे तो सिर्फ रोटियां ही तोड़नी आती है, काम के नाम से दम निकलता है तुम बच्चा। क्यों भाई, तो ये सारी बातें ठीक हैं? बोलो ना, बोलो अच्छे बच्चे। चिची चिची झूठ क्या नहीं है, है? क्या कहा तुमने? बोलने दो बहन। हाँ बताओ बेटे। मैं तो घर के सारे काम करता था, सफाई करना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, फिर भी चिची खुश नहीं रहती थी। है काम करता है तो मुफ्त नहीं करता, हम रोटी देते हैं, कपड़े बनवाते हैं, मगर अब तेरी भी इस घर में कोई जगह नहीं, समझा? चल निकल यहाँ से, चल। नहीं नहीं झूठा मत उठाइए बहन, आपका हुक्म है तो ये यहाँ से चला जाएगा। जावेद बेटे अपने हिस्से के ये 20,000 रुपए खुद ही उठा लो, मैं तो थक गई हूँ। क्या कहा, इस टोपली में 20,000 रुपए? हाँ बहन, इसकी मजबूत माँ ने अपनी जिंदगी में थोड़े थोड़े करके मेरे पास जमा कराए थे, वो अमानत आज मैंने उसे लौटा दी है बहन। आपने बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? मैं शरबत बनाऊं आपके लिए? शुक्रिया बहन, मैं शरबत नहीं पिया करती, चाय बना लाती हूँ। और ये जावेद, मैं कोई दुश्मन तो नहीं हूँ इसकी, इसके भले के लिए कभी कभी डांट भी मारती हूँ, वरना ये तो बिल्कुल मेरी औलाद की तरह है। क्यों नहीं आखिर आपके शोहर के भाई की औलाद है। और क्या जावेद बेटे, अब तो यही रहेगा मेरे बच्चे। जावेद अब यहाँ नहीं मेरे किसी जान, इसलिए कि आप मुझे नहीं इस कोठरी में बंद हुए 20,000 रुपए करो। ऐसे ही लगता है मेरे बेटे, ये रुपये है जो मोहब्बत बनकर इनके दिल में उभरा है। ऐसी कोई बात नहीं है बहन। बिल्कुल ऐसी ही बात है किसी जान, अब जावेद इस घर में कभी नहीं आएगा। खुदा हाफिज। फिर बच्चों, चची जान तो आवाज नहीं देती रह गई, मगर जावेद नहीं रुका। फिर उसके बाद परी के मशवरे पर जावेद ने छोटी सी दुकान किराए पर ले ली और खाने पीने की चीजों का कारोबार शुरू कर दिया। वो साफ सुथरा सौदा बेचता, पूरा तोलता, कम मुनाफा लेता। इस तरह इसका कारोबार भी चमक उठा और पैसा भी जमा होने लगा। फिर उसने दुकान खरीदी, मकान खरीदा, एक उस्ताद रखकर तालीम भी हासिल की। आज वो शहर का बहुत बड़ा व्यापारी है, लोग इसकी इज्जत करते हैं और वो अपनों की, गैरों की, हत्ता की उस चची की भी मदद करता है जिसने उस पर बहुत सारे जुल्म किए थे।